श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 111 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर सुबह सुने। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ पाना चाहते हैं, तो कृपया कर इसे हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 111 पावरफुल विचारों को। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है, तो समझ लेना उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं, उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं, ताकि फसल अच्छी हो। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। हे पार्थ, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो, उसका फल आपको कल प्राप्त होगा। और आज जो आपके पास है, वह आपके द्वारा पहले ही किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं,
उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, नहीं कर्म ना करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं, और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियाँ अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबरा कर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही व्यक्ति है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डूबता। प्रशंसा हो रही हो तो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो समुद्र सूखता नहीं है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है
तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है, जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु भी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो पूरी निष्ठा से, अपना कर्तव्य अपना कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाले व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना हो। सुंदरता आपके दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर चढ़ता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। शब्द उतने ही बाहर निकलने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराए अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए
तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस चीज पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को ही डुबो देता है। अपने परम भक्त जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है, वह तमस दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीदें टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण